इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने।